अध्यक्ष जी, मोदी @2.0 का कार्यक्रम होना है, पूरा क्या कार्यक्रम है? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और कार्यक्रम के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं कि हिंदुस्तान में गुजरात के सबसे पहले मुख्यमंत्री हमारे वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री और लोकप्रियता में विश्व की लोकप्रियता हासिल करने वाले ऐसे पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो इन्होंने 12 साल लगभग शासन गुजरात और 8 साल भारत सरकार के रहते हुए जो इन्होंने विकास का काम किया, जो जनता के हित का काम किया, अब भारत को नई ऊंचाइयों पर, नए भारत, आत्मनिर्भर भारत, सैनिक से लेके सभी लोगों का, किसानों से लेके शिक्षित बेरोजगार नौजवान, अपने दलित पिछड़ों सबके बारे में, उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी रामनाथ कोविंद को किया, फिर आदिवासी महिला को जो इस बार जो अभी राष्ट्रपति जो परसों घोषणा हुई है द्रौपदी मुर्मू जी को, उनको राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। तो उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबके हाथों में काम और सबका बराबर का सम्मान, और एक और नारा उन्होंने बढ़ा दिया कि सबका प्रयास, और सबके प्रयास से आज भारत का नाम पूरे दुनिया के अंदर हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जो ये कार्यक्रम बनारस के अंदर होने जा रहा है अपने रुद्राक्ष में, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। 20 साल का जो कार्यकाल रहा, 20 साल का जो सफ़र रहा, सेवा का भाव, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और आप सब लोग जानते हैं कि गुजरात एक पहाड़ी क्षेत्र था, निश्चित तौर पर एक अपना बंदरगाह की तरह गुजरात चलता था, लेकिन जब इनको बागडोर मिला अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को, जब वहाँ का मुख्यमंत्री जब बनाए गए, तो निश्चित तौर पर वहाँ जो जो कमी थी, चाहे सड़क हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे पानी की भी बहुत कमी थी, पानी की तो बहुत कमी थी, लेकिन आज गुजरात जो है भारत का दूसरा इकोनॉमिक प्रदेश बन गया है। तो ये निश्चित तौर पर इनके प्रतिभा को, इनके सोच को, प्रधानमंत्री के सोच को आज पूरी दुनिया कायल है, भारत क्या, हम लोग तो बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, कैसे नेतृत्व को जो वाराणसी के सांसद बनाकर वाराणसी का पूरा काया पलट हो रहा है, काया विकास हो रहा है इस देश का, आप देख रहे हैं वाराणसी के जरिए सारा विकास जो है हर जगह हो रहा है। और वाराणसी में तो जब आते हैं प्यार बांटने जरूर आते हैं, लेकिन कुछ न कुछ विकास का शिलान्यास यहाँ करके जाते हैं, कुछ उद्घाटन करके जाते हैं, इससे बनारस काशीवासियों को बहुत बहुत हो रहता है। 20 तारीख को आप लोग सुनेंगे कि 20 साल का जो मिसाल इन्होंने गुजरात से लेकर पूरे हिंदुस्तान के लिए काम किया है, वो सारे विषय उसमें आएंगे। देखिए, अभी तो किसी के औपचारिकता सूचना नहीं आई है, मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि हैं उसमें, बाकी हमारे यहाँ के सांसद, विधायक, MLC, हमारे यहाँ के मंत्री सभी लोग रहने वाले हैं इस कार्यक्रम में। इसमें प्रभुजनों को संबोधित, हाँ प्रभुजनों ही रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या जिला के पदाधिकारी या महानगर के पदाधिकारी, क्षेत्र के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, देख रेख में, सुरक्षा में और देख रेख में सब काम होगा। किस तारीख को होना है? 28 तारीख को हो रहा है। कितने बहुजन जुड़ने क्या? अब 500 के प्लस का हम लोग कार्यक्रम रखे हैं, हो सकता है 1000 हो जाए, 700 हो जाए, 800 हो जाए, 500 से कम नहीं होंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।